स्पेशल है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं सूरत, और वो भी शादी की शॉपिंग के लिए। ये देख लीजिए हमारा ड्राइवर, ड्राइवर। मैं बाकी लोगों को आपसे मिलाती हूँ। ये देखिए हमारे सासू माँ। हिंदी हिंदी बोलो ना। क्या बोलो गाइज, मिली इसका नाम है प्रसन्ना, लेकिन हम लोग इसे प्यार से हैप्पी बुलाते हैं, और आज सबसे ज़्यादा शॉपिंग इनकी होगी तो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए गाइज हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। गुजराती हो और फाफड़ा जलेबी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और साथ में है ये डोसा। इंडिया की आबादी, एक ही टेम्पे में कितने सारे लोग जा रहे हैं, और वो भी बेचारे भीड़ भाड़ में पीछे ऐसे लटके हुए जैसे अभी कोई गिर जाएगा। सुबह सुबह हमारी मम्मी जी आंवला खाते हुए बोलती थी सेहत के लिए अच्छा होता है, और ये देखो इनको धूप भी इतनी लग रही थी, और ये जुगाड़ कर रही है दुपट्टा लगा के ताकि इनको ज़्यादा धूप ना लगे। वैसे हमारी मम्मी जी बहुत टैलेंटेड है। हेलो गाइस, हम आ गए हैं सूरत में फाइनली। अब हम यहाँ पे दिखाएंगे कि अलग अलग शॉप है तो हम आपको दिखाएंगे, तब तक बने रहिए हमारे ब्लॉग में। पहली जगह पे तो हमें कुछ नहीं मिला, तो डिसअपॉइंट होके हम लोग दूसरी जगह पे जा रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी बिल्डिंग्स है और व्यूज़ गाड़ी में से इतना अच्छा लग रहा है, हमें बहुत मज़ा आया। देखो देखो गाइस, मम्मी की हिंदी देखो, ये हमारी मम्मी इतनी अच्छी हिंदी बोलती है, वो काकी को काकी बोलते हैं। बागली टुटली हिंदी। કોણ આવશે તારે? બહુ જ રડવું આવશે તારે, અહિયાંથી ઉઠાયેલો ને પાન બાપુ યાદ આવશે, આપણે ગાળ પેલું ખાધું તું ખબર? મમ્મી વાત હાથમાં એ કરે છે, મેં સફાઈ રાખી ફોન। ओके सो अभी हम पहुंच चुके हैं पशुपति मार्केट, और अब हमारी शॉपिंग यहीं से शुरू होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं हम पशुपति मार्केट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग दुकान है जहाँ पे अलग अलग प्रिंटेड सिंपल तरह के मटेरियल मिलते हैं, और सबके दाम अलग अलग है।
यहाँ पे किलो में भी मटेरियल मिलते हैं और होलसेल रेट में भी मिलते हैं, तो किसी को अगर कम दाम में चाहिए तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। बिना खाए ये चेहरा ऐसा दिखा है, खाना खाने के बाद दिखाते हैं। अभी ये पूरा सूख गया है। फिर से ये साइलेंट मोड पे है। देखो खाना खाने के बाद चेहरे की खुशी। गाइस सासू और बहू दोनों खाना खाने के बाद आमला खा रहे हैं और वो भी खारा अच्छा लगता है और ये साफ हो जाता है और ये मम्मी ने पकाया है ज्यादा खा रहा सर। कौन है? ये तो मैं दे दो। अली तू कर। यहीं पे रहना। ये सैंचो का जो है दीदी वो है मैं कर दूंगा आपको। ऐसा नहीं है कि बात जो होगा मेरे हाथ में सबसे बेस्ट करूंगा। अच्छा तुम लिख कर दो कितने का कितना। ये तो ये फैमिली के लेने आए हैं। ओए गणेश आगे कैल्सी दे देना। फाइनल रेट बोल दे सबकी क्या क्या पड़ेगी। आपको सबकी फाइनल की ये इतने में पड़ेगा। फिल्म में अगर वो राउंड फिगर है तो राउंड फिगर भी लूंगा और 11 रुपया है तो 11 भी लूंगा। इशारे में समझ इशारे में नहीं समझ सकता ना दीदी। इशारे में समझता हूं। भैया बोलो ना उनको। बोलो बोलो तुम बोलो। देखो गाइस हम थक के बैठे हैं और मैं यहाँ पे सब मटेरियल बेचने के लिए बैठी हूँ और यहाँ पे दो कस्टमर आए हैं आप देख सकते हो। क्या चाहिए बहन जी आपको? आपको ऑर्गेंजा चाहिए? ऑर्गेंजा चाहिए है ना? ये सारे ऑर्गेंजा ही है, ले लो। जो ये जो भी चाहिए सब आपका ही है। लेके ये अच्छा नहीं है तो आप को जो चाहिए वो तो है नहीं तो अब आप दूसरी दुकान जाए उसमें क्या। ठीक है चलो मिलते हैं। बहन जी ऐसा मत बोलो।
गाइस हमने एक दुकान से अपना पूरा सामान ले लिया है और हमारा बिल क्या हुआ है 33,500। और आंटी जो बहुत नाराज़ थी उस दुकान वाले से, क्योंकि दुकान वाले ना प्राइस कम ही नहीं कर रहे थे, तो आंटी जो बहुत कच 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 कर रही थी और बहुत बोलने के बाद हमारी प्राइस तो करना ही पड़ेगा। तो पैसे ऐसे थोड़ी ना आते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मज़ा आया नहीं, मज़ा आया, हमें खुश हो गए। हाँ, पानी पिया, पता चल गया कि अच्छा हलाल वाला बकरा गया हाँ, है। जाते वक्त वो लोग भी हमसे खुश हो गए थे और वो भी हमारे साथ वीडियो बनाना चाहते थे। चाय पिलाई हाँ, तो नाश्ता मंगवाने को भी बोलते थे। चाय इतनी अच्छी थी ना कि आंटी जो को दूसरी पीनी थी लेकिन दूसरी नहीं मिल गई थी। लेकिन मजा आया नहीं, मजा आया। और वो दूसरे का बहुत संपेत्रा कर मुझे अच्छा नहीं लगता, और इसलिए आंटी जी गुस्से में बैठी है यहाँ पे, थक गई हूँ। हाँ जगह पे आ गए हैं, अत्रिम फूड कोर्ट। ये बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ पे हमें बहुत भूख लगी थी तो हमने नूडल्स और मोमोज मंगवाए, लेकिन वेट बहुत करना पड़ा। लेकिन जब आया ना तब सबको इतनी भूख लगी थी कि सब ने जल्दी जल्दी खा लिया, लेकिन खाने में मज़ा आई। ओके, तो मिलते हैं हम आगे की वीडियो में, बाय। देखो गाइस, अभी हम KFC में खाने के लिए रुके हैं। Wow, the place is very nice, no? Thank you. Place, not you. जी खावाना चाहते थे। थोड़ी देर पची आलू। आपकी सेवा। देखिए, ये ड्राइवर हमारे लिए वहाँ से यहाँ तक चला के आया है, तो हम इसकी सेवा कर रहे हैं। ये अभी रात को गरबा खेलने जाएगा, इतना थका हुआ है फिर भी। सब थके हारे आराम के खाने का वेट कर रहे हैं। बोल रही थी कैसे गाड़ी चल रही है मम्मी? यू यू बस लिया।